हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम बात करते हैं ब्यूटी फैशन पूजा पाठ स्पेशली लड्डू गोपाल जी के बारे में। सो मैं आज शेयर करने वाली हूं आप सबके साथ अपने लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान। सो मैंने अभी अधिक मास चल रहे हैं, आप सभी को पता है 12 तारीख से 16 तारीख तक अधिक मास चल रहा है। तो अधिक मास में लड्डू गोपाल जी को आपके पास अगर शिवलिंग है या फिर विष्णु भगवान जी हैं, जो भी मूर्ति हैं, आप उनको पंचामृत स्नान करा सकते हो संकल्प लेके, और दीपदान कर सकते हो शाम को। सो मैंने भी किया था दीपदान शाम को किए मैंने, पर उसकी वीडियो मैंने अभी नहीं बनाई है, लेकिन मैं आगे आपको शेयर कर दूंगी। सो मैंने यहाँ पर पंचामृत स्नान करा रही थी लड्डू गोपाल जी को, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँ। तो मैं बस लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने की यहाँ पे तैयारी कर रही थी। सो मैंने पंचामृत में डाला है दही, दूध, कच्चा दूध डालना है और एक तुलसी का पत्ता और थोड़ी सी मिसली और थोड़ा ये गंगा जल डाल दिया मैंने इसमें, और थोड़ा सा डाला था मैंने घी। आप सभी को पता है कि पांच चीज़ से मिलकर ही पंचामृत बनता है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेंध डाल दिया था और यहाँ पे मेरा पंचामृत बनकर तैयार हो गया था। तो ये देखो मैं यहाँ पे घी डाल रही थी, तो मैंने यहाँ पे चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया सब कुछ। चीनी मैंने पहले ही डाल दी थी। सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ बना रही थी सबसे पहले स्वास्तिक। मैं ये था मेरे पास गीला चंदन, सो मैं चंदन से यहाँ पे स्वास्तिक बना रही थी। मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना के सबसे पहले और उसके ऊपर फिर मैंने थोड़े फूल चढ़ाए और फिर मैंने चढ़ने स्पर्श करे और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर विराजमान कर दिया, और ठाकुर जी को भी यहाँ पे हम विराजमान कर देंगे। और अब कराएंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान। तो यहाँ पे हम अच्छे से पंचामृत डाल लेंगे उनके ऊपर, अच्छे से लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से नहलाएंगे, तो उनको हल्के हाथ से अच्छे से उनको हल्के हाथ से रगड़ना है। सभी को पता है कि पंचामृत कैसे बनता है, पंचामृत पांच चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप काजू वगैरह किशमिश वगैरह ये सब चीज़ों से ही बनाएं, आपके किचन में ही पांच चीज़ मिल जाएंगी तो आप बना सकते हो पंचामृत। सो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को अच्छे से हल्के हाथ से रगड़ लिया था। मैंने ठाकुर जी को भी हल्के हाथ से कर लिया था, पंचामृत से अच्छे से नहला दिया था। फिर मैंने यहाँ पर सादा पानी से थोड़ा सा गंगा जल मिक्स किया था, बाकी मैंने सादे पानी से लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान करा दिया था।
फिर मैंने लिया तावल, तो तावल में अच्छे से मैंने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे लपेट लिया था और फिर अच्छे से उनको पहुँचा मैंने। और देखो कितने क्यूट लग रहे थे लड्डू गोपाल जी। और फिर मैंने ठाकुर जी को भी सादे पानी से अच्छे से स्नान करवा दिया, उनको भी मैंने उनके बिस्तर पर बिठा दिया था तावल में लपेट के। और फिर मैंने इस जल को साइड में कर दिया था और लड्डू गोपाल जी के स्नान का पानी का मैं क्या करती हूँ इसका भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी प्रॉपर आपके लिए कि मैं उस पानी का क्या करती हूँ। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ कि मैं लड्डू गोपाल जी के स्नान का पानी क्या करती हूँ। मैंने हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पहुंच लिया था और फिर मैं बनाने वाली थी लड्डू गोपाल जी को ये क्रीम कलर की ड्रेस कॉटन की। ये ऊपर का टॉप था आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आए प्लीज़ थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो एक लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन बटन भी दबा देना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो मेरे लड्डू गोपाल जी ये वाले ड्रेस पहन के कितने क्यूट लग रहे थे, तो मैं अब इनको बना दूँगी इनकी माला और चंदन तिलक लगा दूँगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इत्र लगाया था सेवा भी कर दी थी लड्डू गोपाल जी की। और फिर मैंने पहनाई लड्डू गोपाल जी को उनकी ज्वेलरी और चंदन तिलक लगाया पहले। ये लिक्विड वाला मैं चंदन लेके आई थी पहले, मेरे पास सफ़ेद चंदन होता है ना पानी में घोल के लगाते तो वो वाला था। लड्डू गोपाल जी को उनके स्थान पर यहाँ पे विराजमान कर दिया था। और फिर मैंने ठाकुर जी को मैंने कर ही दिया था पहले ही उनसे चंदन तिलक लगा के। और फिर मैं यहाँ पर कर रही थी पूजा की तैयारी, धूप दीप की तैयारी कर रही थी और लड्डू गोपाल जी के आगे मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के भोग की तैयारी कर रही थी। सो हम सबसे पहले यहाँ पर मिश्री रख लेंगे, मिश्री डाल लेंगे और गिलास में पानी कर लेंगे लड्डू गोपाल जी के लिए। और आप सभी को पता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी के कोई भी भोजन या कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं और वही ठाकुर जी भी हमारे, सो मैंने उसमें तुलसी कर दी थी। और यहाँ पर मैंने दीपक में कर लिया था तिल का तेल, हमें दीपक भी प्रज्वलित करना था तो उसमें मैंने यहाँ पर तेल कर लिया था, तिल का तेल डाला था मैंने। मैंने सबसे
पहन रखी है, यहाँ पे चंदन माला, चंदन माला जो चंदन की माला बनी हुई होती है ना, वो चंदन माला रख दी थी लड्डू गोपाल जी की प्लेट में, हमेशा रखी हुई रहती है उनके में। और यहाँ पे मैं कर रही थी पानी, तो यहाँ पे मैं मटके में से पानी कर रही थी ताकि मटके का पानी ख़त्म हो जाए और मैं मटके में और भर दूँ। लोटा भी अच्छे से भर के रख दूंगी, मैंने सादा जल पहले ही ला के रखा हुआ था यहाँ पे, मैं डाल दूंगी इसमें एक तुलसी का पत्ता। और अब ढक के हम लोटे को विराजमान कर देंगे उनकी जगह पे। गिलास में थोड़ा पानी ज़्यादा भर गया था इसलिए मैंने थोड़ा सा कम कर लिया था ताकि वो गिरे ना। तो मैंने यहाँ पे वो रख दिया था, मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया था। और ये धूपबत्ती भी जो बना बना रही हूँ वो दीने घर में ही बनाई थी, तो मैंने एक कपूर रखा था आधा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे धूप भी प्रज्वलित कर लिया था, धूप को जला लिया था, धूप को जला लिया था। और अब करूँगी मैं आरती, प्लीज़ पसंद आए तो फुल वीडियो वॉच ज़रूर करना, एक लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं यहाँ पे आरती कर रही थी लड्डू गोपाल जी की, मैंने यहाँ पे इस तरीके से धूप दी थी, धूप दीप दिया था लड्डू गोपाल जी को, और आपको देना भी चाहिए आरती करने के बाद। और फिर थोड़ा सा गंगा जल लेके हाथ में और थोड़ा सा हमें अपनी दीप धूप पे छिड़क देना चाहिए, घुमाना चाहिए। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक से कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और यहाँ पे मैं ली थी आशीर्वाद सभी भगवान जी का, मैं यहाँ पे कर रही चरण स्पर्श। और मैं आज दिखाऊंगी अंधेरे में मेरे मंदिर का व्यू क्या आता है। ये देखो मेरे मंदिर का अंधेरे में भी कुछ इस तरीके का आता है, बहुत प्यारा लगता है मंदिर, एक अलग सा ही लुक आता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और एक शांति सी मिलती है। सो ये देखो मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।